नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का जो सेशन अपना वो आगे अपन प्रारंभ करेंगे। हमने अब तक जो बातचीत की थी वो हमने बातें कर ली थी किसके बारे में, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। और हम इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप है, इस पंप के जो प्रकार थे उनकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में हम बात कर रहे थे। इसको देखते हैं आगे, पूरा का पूरा पोर्शन देखेंगे अपन इसका। चलिए, यूनिट अपनी वही है, पंप एंड पंप ऑपरेशन, और उसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की हम बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम अपना जो बिंदु चल रहा था वो पहला प्रकार चल रहा था पंप का, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की हम बात करते हैं। और इस पंप की कल अपन ने बात की थी, ये पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार थे इनमें? एक तो हमने फोर्स पंप का था, एक जो प्रकार था वो तो था फोर्स पंप। फोर्स पंप एक टाइप तो ये था। दूसरा जो प्रकार था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का वो है लिफ्ट पंप। कौन सा है? लिफ्ट पंप, लिफ्ट पंप। तीसरा जो प्रकार अपन ने कल लिखा था दोस्तों वो था सेमी रोटरी पंप। कौन सा? सेमी रोटरी पंप। एक था बकेट एंड प्लंजर पंप, ये तो हो गया सेमी रोटरी, सेमी रोटरी पंप। और एक है बकेट एवं कौन सा है? बकेट एवं प्लंजर पंप। ठीक है, बकेट एवं प्लंजर पंप। और एक पांचवा जो प्रकार था वो था रोटरी पंप। कौन सा था? रोटरी पंप। ये पांच प्रकार कल अपन ने डिस्कस किए थे कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसके ये पांच टाइप होते हैं, ये पांच प्रकार होते हैं। अब इन पांच प्रकारों में वन बाय वन हम एक एक के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले अपन जो बात करेंगे दोस्तों वो अपन बात करेंगे किसके बारे में, तो वो हम करेंगे फोर्स पंप के बारे में। किसके बारे में? फोर्स पंप के बारे में। तो पहली हेडिंग लगाएंगे नंबर एक, फोर्स पंप, फोर्स पंप। फोर्स पंप के बारे में चर्चा करते हैं कि फोर्स पंप क्या है। दोस्तों ये जो फोर्स पंप है ये वो पंप है जो सबसे पहले इजाद हुआ था। सबसे पहले इजाद होने का मतलब है जो सबसे पहले आया या जिसका सबसे पहले आविष्कार किया गया था वो पंप कौन सा है? फोर्स पंप है। ये पिचकारी जो होती है, अपन होली के टाइम पिचकारी काम में लेते हैं, उस पिचकारी की भांति ये कार्य करता है। ठीक है, तो पहली बात तो लिखो, यह पंप सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पंप है। अर्थात यह सबसे पहले, क्योंकि यह सबसे पहले इजाद हुआ था, सबसे पहले इजाद हुआ था, यानी इसका आविष्कार सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले इजाद हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इजाद होने वाला पंप फोर्स पंप। अब हम बात करें कि इसके अंदर होता क्या है, तो ये कार्य किसकी भांति करता है? तो ये पिचकारी की भांति कार्य करता है। इसकी बात ही पिचकारी, तो लिखो यह है पिचकारी की भांति, यह है पिचकारी की भांति कार्य करता है, यह है पिचकारी की भांति क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक इनलेट होता है,
हवा और पानी का प्रवेश करने के लिए मार्ग होता है जिसे इनलेट, और बाहर निकालने के लिए एक मार्ग होता है जिसे आउटलेट कहते हैं। तो इसमें एक तो इनलेट होता है, लिखो, इसमें एक इनलेट होता है, इसमें एक इनलेट होता है जिसमें से हवा व पानी प्रवेश करता है, जिसमें से हवा व पानी क्या करता है, प्रवेश करता है। और एक होता है दोस्तों आउटलेट, जिससे क्या होगा, पानी बाहर निकलने का मार्ग होता है। देखो इसमें, इस पंप में एक आउटलेट भी होता है, एक आउटलेट भी होता है जिससे पानी बाहर निकलता है, जिससे पानी बाहर निकलता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एनआरवी लगा होता है, नॉन डिटर्नेबल वाल्व लगा होता है। ये नॉन डिटर्नेबल वाल्व क्या करता है, पानी को वापस जो है वो अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। तो आउटलेट से निकला हुआ पानी कभी भी वापस अंदर नहीं जाता है। अगर इसकी कुछ संरचना हम देखने की कोशिश करें, बड़ा ही सरल प्रकार का है ये, तो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे इस तरह का पंप होता है। तो इस पंप में क्या, यहां पर पिस्टन लगा होता है, ये क्या होता है, ये एक पिस्टन लगा होता है इस तरह से, ठीक है। तो जैसे इसको खींचेंगे तो इनलेट में से जल अंदर आएगा, जैसे इसको दबाएंगे तो आउटलेट में से जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये एक तो हो गया इनलेट और ये हो गया आउटलेट, ठीक है। यहां एनआरवी होता है, क्या होता है, यहां नॉन रिटर्नेबल वाल्व, यहां भी एनआरवी होता है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, ठीक है। तो जैसे इसको ऊपर खींचते हैं पिस्टन को, ये पिस्टन है, पिस्टन को ऊपर खींचते हैं तो वैक्यूम होगा तो यहां से इनलेट से जो है वो जल और हवा अंदर प्रवेश करेगी। जैसे इसको दबाएंगे तो एनआरवी बंद हो जाएगा, तो प्रेशर आएगा तो आउटलेट से अधिक प्रेशर के साथ जो है वो जल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये तो है फोर्स पंप, जो बहुत ही सिंपल प्रकार के या सिंपल प्रोसेस के पंप थे जो सबसे पहले आए थे, पिचकारी की भांति ये कार्य करते हैं। दूसरा हम बात करें दोस्तों लिफ्ट पंप की, किसकी बात करें, लिफ्ट पंप की बात करते हैं। तो दूसरे प्रकार के जो पंप हैं वो है लिफ्ट पंप। तो नंबर दो लिखिए लिफ्ट पंप, हेडिंग लगाइए लिफ्ट पंप। दूसरे प्रकार के जो पंप है वो है लिफ्ट पंप, लिफ्ट पंप। लिफ्ट पंप देखो नाम से स्पष्ट है, यानी कि ये जल को उठा के लाएगा। आप कैसे उठाएगा, क्या प्रोसेस है, बात करते हैं। चूड़ीदार उभार के जैसा ये पंप होता है और लगभग ये फोर्स पंप के जैसे ही ये कार्य करता है। लेकिन दोस्तों ये जो फोर्स पंप होता है उससे लिफ्ट पंप क्यों भिन्न होता है, क्योंकि इस लिफ्ट पंप का जो पिस्टन होता है वो ठोस ना होकर, सॉलिड ना होकर अंदर से पोला होता है। इसमें नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगा होता है और नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो वापस से पानी को जाने नहीं देगा। जब पिस्टन को हम बाहर की ओर खींचते हैं तब इनलेट वाल्व जो है वो खुल जाता है, और इनलेट वाल्व खुलता है और पिस्टन का वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फलस्वरूप जैसे इनलेट वाल्व खुलेगा तो अंदर की ओर पानी जाएगा, दबाव से पिस्टन जो है वो ऊपर खींचेंगे पिस्टन को तो अंदर पानी, इनलेट में पानी प्रवेश करेगा, ठीक है, साथ में हवा भी आएगी। अब होगा क्या, जैसे ही हम उसको दबाएंगे वापस से, जैसे ही हम वापस से दबाएंगे तो क्या होगा, आउटलेट से पानी बाहर निकलेगा। फिर इस प्रकार कई बार हम इसी तरह से अगर इसको पंपिंग करेंगे तो लगातार पानी जो है वो बहता जाएगा। तो लिफ्ट पंप और फोर्स पंप देखा जाए तो लगभग इक्वल जैसे हैं, लगभग क्या है, लगभग एक जैसे, ज्यादा इनमें कोई अंतर है नहीं, ठीक है। बस बात इतनी है
कि जो लिफ्ट पंप जो अपन ने फोर्स पंप की बात की थी उसमें जो पिस्टन लगा हुआ था वो ठोस था सॉलिड था और इसके अंदर क्या होता है पोला होता है। तो पहले तो दो चार बातें इसके बारे में लिखेंगे, लिखो यह पंप भी फोर्स पंप के समान ही होता है। यह पंप भी फोर्स पंप के समान ही होता है, ठीक है। इसमें पिस्टन पोला होता है जबकि फोर्स पंप में सॉलिड होता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है पोला होता है, वही एनआरवी इसमें भी होगा, नॉन रिटर्न वाल्व होगा। अभी इसके अंदर क्या सिस्टम होगा देखो, ये हैंडपंप के जैसा होता है एक तरह से, इसके जैसा हैंडपंप के जैसे इसको देख सकते हैं अपन। मैं यहां डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। इस तरह से पंप होता है, ओके, बिल्कुल हैंडपंप के समान इसको अपन देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर अप स्ट्रोक होता है, पिस्टन होता है, वाल और प्लंजर लगे होते हैं इसके अंदर इस तरह से। तो क्या होता है वाल और प्लंजर होते हैं, तो ये एक वाल होता है इसमें और ये क्या होता है प्लंजर होता है, ये वाला भाग, ये प्लंजर, ठीक है। ये इसका पिस्टन वाला भाग है जिसे अप स्ट्रोक कहते हैं, ऊपर उठाएंगे तो अप स्ट्रोक कहेंगे इसको, अपस्ट्रोक, ऊपर की ओर उठाने को अपस्ट्रोक कहेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक इनलेट वाल्व होता है यहाँ पर। इस इनलेट वाल्व में क्या सीन होता है, ये इस तरह से खुलता है कि जैसे ही पिस्टन को खींचेंगे तो जल जो है वो इधर से अंदर जाएगा। ये है इनलेट वाल्व, क्या है इनलेट वाल्व है, जैसे ही इसको खींचेंगे, ठीक है, अपस्ट्रोक को ऊपर की ओर खींचेंगे तो इसको ऊपर की ओर खींचेंगे दोस्तों तो यहां से वैक्यूम के साथ जल ऊपर जाएगा। और ये एनआरवी वाल्व है, कौन है एनआरवी वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व है, तो ये पानी को अंदर तो जाने देगा लेकिन वापस बाहर नहीं जाने देगा। जैसे इसको वापस नीचे दबाएंगे तो प्रेशर होगा तो यहां से जल जो है वो क्या होगा बाहर निकलेगा, वो भी प्रेशर के साथ। तो इस तरीके का ये भी एक सिंपल प्रकार का क्या होता है, साधारण प्रकार का सा एक पंप होता है जो कि फोर्स पंप के समान ही होता है, ठीक है। चाहे तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो ये हो गया अपना कौन सा लिफ्ट पंप हो गया, कौन सा हो गया मित्रों, ये हो गया अपना लिफ्ट पंप। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का जो पंप है वो है सेमी रोटरी पंप। कौन सा है, सेमी रोटरी पंप है। इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें करेंगे क्योंकि रोटरी शब्द आ गया तो ये कुछ डिफरेंट हो गया है। तो तीसरा पंप है सेमी रोटरी जो पंप है, इस सेमी रोटरी पंप में क्या होता है देखो, सेमी रोटरी पंप मित्रों अग्निशमन के लिए अधिक इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान रखें। लेकिन सामान्यतः जो तरल पदार्थ होते हैं उन तरल पदार्थों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बदलने के काम में लेते हैं, यानी किसी तरल पदार्थ को एक पात्र से निकाल के दूसरे पात्र में डालना है उनके लिए सेमी रोटरी पंप हम उपयोग में लेते हैं। ये जो सेमी रोटरी पंप होते हैं ये स्वतः प्राइम होने वाले पंप होते हैं और इनकी जो डिजाइन होती है उस डिजाइन की विशिष्टता के कारण ये कम हैंड पर अधिक मात्रा में तरल पदार्थ को क्या कर देते हैं, पंप करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं, ठीक है। जैसे जमीन के नीचे बनी टंकियों से पेट्रोल निकालने वाला पंप,
जमीन के नीचे जो अंडरग्राउंड हम टंकियां बना देते हैं उनमें से पेट्रोल बाहर निकालने वाला जो पंप है वो सेमी रोटरी पंप होता है, ठीक है, वो घुमाने वाला। ओके, तो बातों को साथ के साथ लिखते भी चलेंगे। तो पहली बात लिखिए, इस पंप का उपयोग, इस पंप का उपयोग अग्निशमन सेवा में, इस पंप का उपयोग अग्निशमन सेवा में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस पंप का उपयोग अग्निशमन सेवा में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग तो कहां किया जाता है, तो लिखें आगे, इस पंप का उपयोग, इस पंप का उपयोग, इस पंप का उपयोग किसी तरल पदार्थ को, किसी तरल पदार्थ को एक बर्तन से, तरल पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, किसी तरल पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के लिए किया जाता है, डालने के लिए किया जाता है। जैसे लिखो आगे, जैसे जमीन के अंदर बने, जैसे जमीन के अंदर बने, जैसे जमीन के अंदर बने पेट्रोल के, जमीन के अंदर बने पेट्रोल के टैंकों में से, जमीन के अंदर बने पेट्रोल के टैंकों में से पेट्रोल को निकालने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, पेट्रोल को निकालने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। यस, ये सबसे प्राइम होने वाले पंप होते हैं। अगली बात लिखो, ये स्वतः प्राइम होने वाले, स्वतः प्राइम होने वाले पंप होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वतः प्राइम होने वाले अपने आप घूमने वाले पंप होते हैं दोस्तों, ठीक है, और कम हेड पर अधिक मात्रा में तरल पदार्थ को पंप करने की क्षमता रखते हैं, कम हेड पर अधिक मात्रा में, कम हेड पर अधिक मात्रा में तरल पदार्थों, कम हेड पर अधिक मात्रा में तरल पदार्थों को पंप करने के लिए उपयोगी होते हैं, तरल पदार्थों को पंप करने के लिए, पंप करने के लिए उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। अगली बात लिखेंगे, यह पंप मजबूत बनावट का होता है, इसका मुख्य भाग ढलवा लोहे का बना होता है, इतना नोट कर लिया। तो अगली बात लिखिए, यह पंप मजबूत होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत बनावट वाले होते हैं, यह पंप मजबूत बनावट वाले, मजबूत बनावट वाले होते हैं, यह पंप मजबूत बनावट वाले होते हैं और ये ढलवा लोहे के बने हुए होते हैं। तो लिखिए अगली बात, ये पंप, सेमी रोटरी पंप ढलवा लोहे के
बने होते हैं, ये पंप डलवा लोहे के बने होते हैं। इसके बने होते हैं डलवा लोहे के, ये बने हुए होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं ये मजबूत होते हैं दोस्तों बनावट। इनमें जो वाल लगे होते हैं वो धातु के बने हुए होते हैं, किसके होते हैं धातु के बने हुए होते हैं, ठीक है। और इन पंपों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी पर एक पंप जो वाल्व है वो आगे की ओर लगा रहता है जो उसको आगे की ओर घुमाने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें कि जो सेमी रोटरी पंप होते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि पंप की जो जड़ जड़ होती है मतलब आखिरी वाला भाग होता है पंप का, नीचे वाला भाग सबसे आखिरी भाग, उसमें जो इनलेट बनी होती है जहां से पानी इसमें प्रवेश करेगा, इस इनलेट पर जो चूड़ी होती है वो थोड़ी कटी रहती है, जिस पर स्टैंडर्ड साइज की पानी की एक ट्यूब लगा दी जाती है, ठीक है। ध्यान रहे पंप बैठते समय सब जोड़ हवारुद्ध होने चाहिए, ठीक है। जब जैसे अपन इसको उसमें डालेंगे तरल पदार्थ में डालेंगे, द्रव पदार्थ में डालेंगे, तो ये हवारुद्ध होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हवा ले लेता है ना कई बार वैसे। चलिए नोट कीजिए इन बातों को। अब उपयोग कहां करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका और भी उपयोग है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि मुख्यतः एग्जाम में इन चीजों के उपयोग पर ज्यादा फोकस करता है कि इनका यूज कहां किया जाता है। तो लिखो इसका उपयोग छोटी नौकाओं पर, लिखो इस पंप का उपयोग, का उपयोग छोटी नौकाओं पर, छोटी नौकाओं पर, छोटी नौका बोले तो छोटी जो नाव होती है ना, इन छोटी नावों के जो पेंदे होते हैं उनमें जो गंदा पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग छोटी नौकाओं पर पेंदे में जमे गंदे जल को बाहर निकालने में, गंदे जल को बाहर निकालने में, बाहर निकालने में किया जाता है, बाहर निकालने में किया जाता है, ठीक है। और एक बताई दिया जमीन के नीचे बनी पेट्रोल की टंकियों में से पेट्रोल को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अगले पंप की बात करते हैं, बकेट एंड प्लंजर पंप की बात करते हैं, की बात करते हैं बकेट एंड प्लंजर पंप की बातें करते हैं। तो नंबर तीन हो गया था ना, तो नंबर चार लिखिए, नंबर चार लिखिए दोस्तों, बकेट एवं प्लंजर पंप, बकेट एवं प्लंजर पंप। बकेट एवं प्लंजर पंप की बात करें कि ये पंप जो है वो किस तरीके के पंप होते हैं, तो दोस्तों बकेट और प्लंजर पंप जो होते हैं ये फोर्स पंप और लिफ्ट पंप से मिलाकर बनाए गए होते हैं या बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहली सबसे बड़ी बात ये होगी कि बकेट एवं प्लंजर पंप होते क्या है, तो फोर्स पंप और लिफ्ट पंप का सम्मिश्रित रूप होते हैं, मिश्रित रूप होते हैं। तो लिखो ये पंप फोर्स पंप एवं लिफ्ट पंप का मिश्रित रूप होते हैं, मिश्रित रूप होते हैं, फोर्स पंप एवं लिफ्ट पंप का मिश्रित रूप जो है वो कौन है, बकेट और प्लंजर पंप। इनका जो पिस्टन होता है वो भी बीच में से कैसा होता है, खोखला होता है, और इनमें भी नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो लगा रहता है। तो लिखो इनका पिस्टन भी खोखला होता है,
इनका पिस्टन भी खोखला होता है और इसमें भी एनआरवी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है, इसमें भी एनआरवी बोले तो नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है और हम जानते हैं कि ये क्या काम करेगा, ये जल को अंदर की ओर तो आने देगा लेकिन वापस बाहर की ओर नहीं जाने देगा, इसके लिए एनआरवी काम आता है। ठीक है, इनलेट जो होता है उस इनलेट पर भी एनआरवी लगा होता है कि पानी अंदर आ सकता है बाहर नहीं जाएगा। पंप खींचने और दबाने पर पानी जमा करता है, जैसे हम पंप को खींचेंगे और उसको दबाएंगे तो इसमें पानी जमा होता है। इसमें और लिफ्ट पंप में केवल ये अंतर होता है मित्रों कि इसका पिस्टन मोटे पाइप या प्लंजर से बंधा रहता है, जबकि लिफ्ट पंप का जो पिस्टन था वो पतली छड़ पर बंधा होता है। दोनों में क्या अंतर हो गया कि इसका जो प्लंजर है, पिस्टन है, वो मोटे पाइप पर बंधा होता है। ठीक है, लिखो, इस पंप का पिस्टन या प्लंजर, पिस्टन या प्लंजर मोटे पाइप पर बंधा होता है, मोटे पाइप पर बंधा होता है। ठीक है, जबकि कौन से पंप में, दोनों में अंतर, लिफ्ट पंप के साथ, जबकि लिफ्ट पंप में पिस्टन पतले पाइप के साथ बंधा होता है, पतले पाइप के साथ बंधा होता है। ठीक है, नोट करें। तो स्ट्रिप पंप जो होता है वो स्ट्रिप पंप इसी का उदाहरण है, ध्यान रखना, नोट लगा के आप लिख सकते हो, स्ट्रिप पंप इसी का उदाहरण है, स्ट्रिप पंप इसी का उदाहरण है, जिसे रकाबदार पंप भी कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या कहते हैं जिसको, रकाबदार पंप भी कहते हैं। और उसके डायग्राम में अपन ने देखा भी था, इस तरह से हमने एक डायग्राम देखा था, ये बकेट है, बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में इनको रखा जाता है और इसमें इस तरह से एक रकाब होती है जिसे इसको दबाया जाता है, इसके अंदर इस तरह से एक क्या होता है, पिस्टन होता है जो मोटे पाइप पर बंधा होता है। ये क्या बना इसमें जल, और यहां से इसका क्या होता है, यहां से इसका होता है आउटलेट। ठीक है, यहां से क्या होता है, आउटलेट होता है ये। ओके, इस तरह से ये पंप होता है, बकेट और प्लंजर। ये इनलेट होता है इसका, दोनों पर एनआरवी होता है। इस तरह से जो पंप है ये बकेट एंड प्लंजर पंप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बकेट एंड प्लंजर पंप, बकेट एंड प्लंजर पंप, जो स्ट्रिप पंप इसी का एक एग्जांपल है। ये हो गया इसका आउटलेट, ये हो गया इसकी रकाब, ठीक है, ये हो गया इसका पिस्टन प्लंजर, और ये हो गया मोटा पाइप, ठीक है, और ये है इसका इनलेट। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, इसे रकाबदार पंप भी कहते हैं, इसे रकाबदार पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रकाबदार पंप भी इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
और इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग देहात की आग बुझाने में, देहात की आग बुझाने में, देहात की आग बुझाने में किया जाता है। और जब मैंने आप लोगों को विलेज फायर पढ़ाया था, जब मैंने आपको विलेज फायर के बारे में बताया था, तो वहां इसके बारे में अपने जिक्र भी किया था। तो ये चौथे प्रकार का हो गया बकेट एंड प्लंजर पंप। और अब बात करते हैं पांचवें नंबर का जो पंप है वो है रोटरी पंप। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंपों में पांचवा जो प्रकार है वो प्रकार है अपना रोटरी पंप। तो लिखिए नंबर पांच, रोटरी पंप। नंबर पांच बात करेंगे रोटरी पंप की। किसकी बात करेंगे? रोटरी पंप की बात करेंगे। दोस्तों रोटरी पंप जो होता है, तो इस पंप में होता क्या है, एक चैम्बर होता है और उस चैम्बर के अंदर धातुओं के बने दो विशेष आकार के चक्रे होते हैं, गोल चक्रे होते हैं, वो घूमते हैं और तरल पदार्थ चैम्बर के अंदर एक और बने इनलेट से खींचता है और दूसरी ओर बने आउटलेट की ओर बाहर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार का उपयोग पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए इस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब होते कैसे, तो मैं सामान्यतः अगर आप लोगों को बताना चाहूं तो जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेट्रोल जैसे किसी एक बड़े बॉक्स के अंदर, बड़े ड्रम के अंदर, बड़े पात्र के अंदर भरा हुआ है क्या पेट्रोल, उसे बाहर निकालना है तो उसके लिए इनका उपयोग करते हैं। देखो ये होता कैसे है, पहले मैं इसके डायग्राम के बारे में आपको बताता हूं। इस तरह से होता है, एक तो हो गया इसका इनलेट, क्या हो गया, ये तो हो गया इसका इनलेट, यहां से द्रव अंदर जाएगा, ये हो गया इसका आउटलेट। अब रोटरी है तो कुछ ना कुछ रोटेशन वाला होगा, घूमने वाला कोई मामला होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से चक्री लगी होती है, इस तरह से क्या लगी होती है, चक्री लगी होती है। ये चक्रियां क्या होती है, घूमती है, ये इधर घूमती है, ये इधर घूमती है। ठीक है, जैसे ये घूमेंगी, जैसे ये क्या होंगी, घूमेंगी, इसको थोड़ा ऐसे मत घुमाओ, बाहर की तरफ घुमाओ इसको। ठीक है, कैसे घूमेंगी, ये इधर घूमेगी, ये इधर घूमेगी। तो जैसे ये घूमेगी तो द्रव पदार्थ जो है इनके बीच से कहां जाएगा, इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा, ये घूमेंगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या डायवेंड व्हील लगे हुए थे, क्या लगे होते हैं, ये व्हील है, व्हील, और इन व्हील के कारण इसे रोटरी कहते हैं, क्योंकि इसमें घूमता है ना इस तरह से, इस कारण से इसको रोटरी पंप कहते हैं। कौन सा पंप हो गया, तो ये हो गया रोटरी पंप। ठीक है, तो लिखो इस पंप में, अभी जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि इनका जो बाह्य भाग होता है, ठीक है, जिसके अंदर की द्रव पदार्थ भरा होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये जो रोटरी पंप होते हैं, इन रोटरी पंपों की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो चैम्बर होता है दोस्तों, इस चैम्बर के अंदर धातु के बने हुए दो क्या होते हैं, ये व्हील होते हैं। तो इस पंप में चैम्बर के अंदर, चैम्बर के अंदर, अब ये वाला भाग तो क्या हो गया चैम्बर, ये वाला भाग क्या हो गया चैम्बर हो गया। तो इस पंप में चैम्बर के अंदर धातु की बनी, धातु की बनी दो व्हील होती हैं, दो क्या होती हैं चक्रे होते हैं, दो व्हील होती हैं, दो व्हील होती हैं, इनके घूमने से, इनके घूमने से तरल पदार्थ, इनके घूमने से तरल पदार्थ इनलेट से प्रवेश करके, इनलेट से प्रवेश कर आउटलेट पर, इनलेट से प्रवेश कर आउटलेट पर बाहर निकलता है, आउटलेट पर बाहर निकलता है। ठीक है,
उपयोग किस में करते हैं? तो पेट्रोल इंजन में ऑयल जो होता है उसके सर्कुलेटिंग के लिए करते हैं। लिखो इसका उपयोग पेट्रोल इंजन में का उपयोग पेट्रोल इंजन में इसमें पेट्रोल के जो इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए किया जाता है। इंजन में ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए ऑयल सर्कुलेटिंग के लिए किया जाता है। पेट्रोल इंजन में ऑयल सर्क्यूलेटिंग के लिए किया जाता है, सर्कुलेटिंग के लिए किया जाता है, सर्कुलेशन के लिए किया जाता है। अब जो ये रोटरी पंप होते हैं, इन रोटरी पंप के गुण, इनमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहाव इनमें क्या होता है, सुगम होता है। लेकिन इनके दोष भी है। दोष ये कि पानी के बहाव को रोकने के लिए इंजन भी बंद करना पड़ता है और कार्य क्षमता निमंत्र स्तर की होती है और पानी में मिला अगर कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है तो मशीन को क्या भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है। ठीक है, तो ये रोटरी पंप के क्या हो गए, रोटरी पंप के गुण और दोष। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके गुण और दोष। रोटरी पंप के गुण, रोटरी पंप के गुणों की बात करें तो रोटरी पंप के गुण में हमने पहला ये कहा कि इनमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये इसलिए इसका गुण हो गया। इनमें प्राइमिंग की आवश्यकता, इनमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहाव सुगम होता है इनमें, इनमें बहाव सुगम होता है। भाव क्या होता है, सुगम होता है, आसान होता है, सरल होता है। दोष देखें तो इधर लिखेंगे हम रोटरी पंप के दोष, रोटरी पंप के दोष, रोटरी पंप के दोषों की बात करें तो एक दोष तो इसका यह है कि इसमें पानी के भाव को रोकने के लिए इंजन को बंद करना पड़ता है। देखो इसमें द्रव के बहाव को रोकने के लिए, द्रव के बहाव को, इसमें द्रव के बहाव को रोकने के लिए, रोकने के लिए इंजन को बंद, इंजन को बंद करना पड़ता है, इंजन को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो ये इसका एक तो दोष हो गया। दूसरा, इसके जो कार्य क्षमता होती है वो निम्न स्तर की होती है, कार्य क्षमता निम्न स्तर की होती है। तो ये भी क्या है, दोष है। कार्य क्षमता निम्न स्तर की होती है, ये भी क्या है, दोष है। और पानी में मिला हुआ कोई कंकड़ या पत्थर आ जाता है तो मशीन खराब भी हो जाती है। पानी में मिले कंकड़ पत्थर के कारण, पानी में मिले कंकड़ पत्थर के कारण मशीन खराब हो जाती है, मशीन खराब हो जाती है। ये भी इसका क्या है, ये भी इसका दोष है। तो ये हो गए दोस्तों अपने पांच प्रकार किसके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के। देखिए अपन ने यहां से शुरुआत की थी, ठीक है, यहां से अपन बात कर रहे थे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप है ये पांच प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार था फोर्स पंप, दूसरा लिफ्ट पंप, तीसरा सेमी रोटरी पंप, चौथा बकेट एवं प्लंजर पंप और पांचवा रोटरी पंप। एक एक के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने चर्चा की फोर्स पंप की, सबसे प्राचीनतम है क्योंकि ये सबसे पहले इजाद हुए थे, पिचकारी की भांति कार्य करते हैं, इनलेट होता है, आउटलेट होता है, दोनों पर एनआरवी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल लगा होता है, पिस्टन जो है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसके बाद हमने बात की लिफ्ट पंप। तो लिफ्ट पंप क्या होता है, ये फोर्स पंप के समान ही होता है लेकिन इसके अंदर जो पिस्टन या प्लंजर होता है वो पोले होते हैं। पिस्टन या प्लंजर कैसे होते हैं, पोले होते हैं, खोखले होते हैं, ठीक है। देन अपन ने बात की सेमी रोटरी पंप,
इसका उपयोग अग्निशमन में नहीं करते हैं, जबकि किसी तरल पदार्थ को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, या जमीन के अंदर बने पेट्रोल के टैंकों में से पेट्रोल को बाहर निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ये स्वतः प्राइम होने वाले पंप है और कम हेड पर ये अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं, पदार्थों को, तरल पदार्थों को पंप कर देने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो ये इनकी थोड़ी सी अच्छाई है। फिर हमने बात की कि ये पंप मजबूत बनावट के होते हैं क्योंकि गलवान लोहे के बने होते हैं, और इनका उपयोग छोटी नौकाओं के जो पैंदे होते हैं, इन पैंदों में जमे गंदे जल को भी बाहर निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने जो चर्चा की वो कि हमने बकेट एवं प्लंजर पंप की, फोर्स पंप और लिफ्ट पंप दोनों का मिश्रित रूप है ये, इसका पिस्टन भी खोखला होता है, एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है इसमें भी, इस पंप का पिस्टन या प्लंजर मोटे पाइप पर बंधा होता है, यही अंतर है, ठीक है। जबकि लिफ्ट पंप में तो पिस्टन पतले पाइप पर होता है और बकेट और प्लंजर पर पिस्टन जो है वो मोटे पाइप पर होता है, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रिप पंप भी इसी का उदाहरण है, यानी स्ट्रिप पंप कह दो एक ही बात है, वो भी बकेट एंड प्लंजर पंप का ही उदाहरण है, जो अपन ने इस तरह से डायग्राम बनाकर देखा, जिसमें रकाब होने के कारण इसको रकाबदार पंप भी कहते हैं, इसका उपयोग जो देहात होती है उसकी आग को बुझाने में किया जाता है। फिर अपन ने बात की रोटरी पंप, जिसमें चैम्बर होता है, इनलेट आउटलेट होता है, चैम्बर के अंदर धातु के बने व्हील होते हैं, उनके घूमने से तरल पदार्थ इनलेट में प्रवेश करता है, आउटलेट पर हमें प्राप्त होता है, उपयोग करते हैं पेट्रोल इंजन जो होते हैं उनमें ऑयल को सर्कुलेटिंग करने के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इसके बाद हमने इस रोटरी पंप के गुण देखे कि इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनमें बहाव सुगम होता है, और फिर हमने बात की कि रोटरी पंप के कुछ दोष हैं जिनमें दरों के बहाव को रोकने के लिए इंजन को ही बंद करना पड़ता है, तो ये दोष है, एक कार्य क्षमता निम्न स्तर की होती है, ये दोष है, और एक पानी के साथ मिले हुए कंकड़ या पत्थर आने से मशीन खराब हो जाती है, ये भी इसका एक क्या है दोस्तों, दोष है, ठीक है। तो ये था आज का मैटर, कल अगले पोर्शन पे इससे आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।